नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। शिक्षा विभाग ने राज्य के 5 लाख से अधिक नियोजित और बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापकों को उनके स्कूल के आसपास आवास दिलाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। विभाग ने एचआरई के संदर्भ में शिक्षकों से जरूरी जानकारी और राय मांगी है। पूछा है कि उन्हें विभाग की तरफ से मकान चाहिए या सिर्फ एचआरई, दोनों विकल्पों में से कोई एक पसंद शिक्षकों से पूछी है। शिक्षकों ने यदि हाउस रेंट का विकल्प दिया तो उन्हें मकान किराया मद में 1000 से करीब 5120 रुपए प्रति माह तक दिए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मौद्रिक नीति का ऐलान किया है और इसमें रेपो रेट और दूसरी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इसकी घोषणा अपने संबोधन के दर में कही है। इस तरह आपके लोन की ईएमआई पर कोई राहत नहीं मिलेगी और न ही ये बढ़ेगी, क्योंकि आरबीआई ने दरों पर स्टेटस को यानी यथास्थिति बरकरार रखी है। इस तरह रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। पटना के पाटलिपुत्र टेनिस सेंटर में महिला टेनिस टूर्नामेंट का 10 दिसंबर से आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में देश भर के विभिन्न राज्यों की टीमें शामिल होंगी। इसकी जानकारी देते हुए बिहार लॉन टेनिस एसोसिएशन सचिव अखौड़ी विश्वप्रिया ने बताया कि बिहार लॉन टेनिस एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय टेनिस संघ के तत्वावधान में पाटलिपुत्र टेनिस सेंटर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अखिल भारतीय महिला टेनिस टूर्नामेंट का 11 से 15 दिसंबर तक आयोजन किया जा रहा। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शनल मोस्ट अवेटेड फिल्म फाइटर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइटर में पहली बार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्क्रीन शेयर कर रही हैं। फिल्म के पोस्ट रिलीज के बाद से ही इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। वहीं मेकर्स ने फैंस के एक्साइटमेंट और बढ़ाते हुए फाइटर का धांसू टीजर आज रिलीज कर दिया है। टीजर फुल एक्शन पैक्ड है और इसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2025 के लिए जनहित का एक अहम टारगेट सेट किया है। तय किया है कि इसके पहले सूबे के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दिया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना वर्ष 2025 के पहले पूरी करे। कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए हम स्वयं स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियनों के साथ सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक वेतन समझौते पर सहमति बनी है। भारतीय बैंक संघ और अन्य यूनियन 5 सालों के लिए 17% वेतन वृद्धि करने पर सहमत हो गई है। ये वेतन बढ़ोतरी 1 नवम्बर 2022 से पेंडिंग थी और इसके लिए MOU भी साइन हो गया। वेतन समझौते के अनुसार 1 नवम्बर 2022 से 17% वेतन बढ़ोतरी का निर्णय लागू होगा। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में मिजोरम को छोड़कर सभी 4 राज्यों की जनता ने जब क्षेत्रीय दलों को खारिज कर दिया, तब भी बिहार में 44 विधायकों की पार्टी जदयू के नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में जदयू के प्रत्याशियों को कम वोट आने के कारण सभी 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। सुशील मोदी ने इसकी भी याद दिलाई। कैंसर से पीड़ित मशहूर अभिनेता जूनियर महमूद का निधन हो गया। 67 वर्षीय अभिनेता ने अपने घर पर ही कल देर रात लगभग 2 बजे अंतिम सांस ली। महमूद के निधन की पुष्टि उनके फैमिली फ्रेंड सलाम काजी ने की। दरअसल मशहूर अभिनेता जूनियर महमूद कैंसर से पीड़ित थे और काफी समय से बीमार थे। जूनियर महमूद के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार जुहू स्थित कब्रिस्तान में किया गया। उनके परिवार में पत्नी, 2 बच्चे, 1 बहू और 1 पोता है। बिहार के दरभंगा में राज्य के दूसरे एम्स का सपना कब तक पूरा होगा? बीजेपी और महागठबंधन के बीच एम्स को लेकर जारी सियासत के बीच जनहित का यह अहम सवाल दब गया था, लेकिन शोभन बाईपास पर एम्स निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की शर्तों के अनुरूप काम करने पर सहमति दे दी है। राज्य सरकार यहां मिट्टी भराई का काम करने, 4 लेन सड़क और बिजली की भी सुविधा बहाल करने पर राजी हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक और मौका है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए अब 10 दिसंबर 2023 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन पत्र SBI के ऑफिशियल SBI.CO.IN पर उपलब्ध है। बिहार की राजधानी पटना में 10 दिसंबर को पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के साथ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिवालय में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने परिवहन, पुलिस, सामान्य प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए UPI के इस्तेमाल पर बड़ी राहत दी है। RBI ने UPI की पेमेंट लिमिट बढ़ा दी है। हेल्थ केयर और एजुकेशन पेमेंट के लिए UPI ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य ट्रांजैक्शन के लिए अभी पेमेंट लिमिट 1 लाख रुपए ही रहेगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान UPI की लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया। 9 दिसंबर को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाने वाले हैं। बता दें कि इनकी शादी 9 दिसंबर को वर्ष 2021 में हुई थी। ऐसे में वह अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर तिरुमला तिरुपति जा रहे हैं। बता दें कि आज यानी कि शुक्रवार को तेजस्वी यादव की शादी की सालगिरह मनाने को लेकर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पत्नी राजश्री, बेटी कात्यायनी, तेज प्रताप यादव सभी पटना से तिरुपति के लिए रवाना हो गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2023 विश्व कप फाइनल और दूसरा सेमीफाइनल खेले जाने वाली नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ईडन गार्डन के पिच को औसत रेटिंग दी है। आईसीसी के मैच रेफरी एंडी पाईक्रॉफ्ट ने फाइनल खेले जाने वाली नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच को रेटिंग दी, तो वहीं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने दूसरा सेमीफाइनल खेले जाने वाले ईडन गार्डन के पिच को रेटिंग दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम खत्म करने के विषय में वकील मैथ्यू जे निदमपुरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो खुद कानून और संविधान के सेवक है। समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वकील मैथ्यू से कहा कि एक वकील के रूप में आपको अपने दिल की इच्छा पूरी करने की आजादी है, लेकिन चूंकि मैं इस न्यायालय का न्यायाधीश हूं, इस कारण मैं कानून और संविधान का सेवक हूं, मुझे स्थिति और निर्धारित कानून का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा खर्च की सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह विधायी नीति संबंधी मामला है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा यह विधायी परिवर्तन और नीतिगत मामला है, हम इस तरह की याचिका पर कैसे विचार कर सकते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के मैनेजर पर आरोप लगा है कि उसने अमेरिका के फुटबॉल क्लब को 2,20,00,000 का चूना लगाया है। आरोप है कि मैनेजर ने धोखाधड़ी कर फुटबॉल क्लब के करोड़ों डॉलर अपने शौक पूरे किए। आरोपी ने धोखाधड़ी कर फुटबॉल क्लब के पैसों से अपने लिए लग्जरी कारें और अन्य सामान खरीदा। आरोपी की पहचान अमित पटेल के रूप में हुई है, जो अमेरिका के जैक्सनविल जगुआर फुटबॉल क्लब के वित्तीय मैनेजर थे। अमित पटेल 2018 में फुटबॉल क्लब का वित्तीय मैनेजर बने थे और अगले 5 सालों तक इस पद पर रहे। भारतीय सराफा बाजार में आज 8 दिसंबर 2023 को सोना और चांदी सस्ता हुआ है। सस्ता होने के बाद भी सोने की कीमत 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 73,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 सुत्ता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 62,407 रुपए है, जबकि 999 सुत्ता वाली चांदी की कीमत 73,600 रुपए है। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज सुबह 995 सिक्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने के दाम घटकर 62,158 रुपए पहुँच गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारियों की वस्तुओं और सेवाओं के एवज में ग्राहकों की अनुमति से उनके खाते से निश्चित अवधि पर स्वतः पैसा काटने की सीमा कुछ मामलों में मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने की अनुमति दी है। यह सीमा म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम जैसे कुछ श्रेणियों के लिए बढ़ाई गई है। इस व्यवस्था में सत्यापन के अतिरिक्त व्यवस्था के बिना ग्राहकों के खाते से सीधे पैसा लेने की सीमा वर्तमान में 15,000 रुपए है। इससे ऊपर के भुगतान के लिए सत्यापन की अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। अमेरिका ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि वह उसके साथ कई क्षेत्रों में संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन वह यह भी चाहता है कि भारत न्यूयॉर्क में एक सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले की गहन जांच करे और इसमें शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराए। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इस कथित षड्यंत्र का असर भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने की संभावना से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। व्हाट्सएप ने हाल ही में वॉइस मैसेज के एक व्यू वंस नाम से एक नया फीचर पेश किया है, जो यूजर्स को वॉइस मैसेज भेजने की सुविधा देता है जो सुनने के बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने वाले वॉइस नोट्स फीचर के आने से अब आपको प्राइवेसी की एक एक्स्ट्रा लेयर मिलने वाली है, इसलिए अब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपका वॉइस नोट किसी और को भेज दिया जाएगा। अब आप बस इस फीचर को ऑन करके बिना किसी चिंता के उस वॉइस नोट को भेज सकते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने बीबीसी के चेयरमैन पद के लिए डॉक्टर समीर शाह का नाम तय किया है। विर्जट सार्क की जगह लेंगे, जिन्होंने इस साल अप्रैल में पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर शाह बीबीसी में कई अहम पदों पर रह चुके हैं, जिनमें न्यूज एंड करंट अफेयर्स के प्रमुख का पद भी शामिल है। वे पिछले 40 सालों से टीवी के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे इस समय जूनिपर नाम की एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी के प्रमुख है, जो ब्रिटेन के कई टीवी चैनलों के लिए कार्यक्रम बनाती है, जिनमें बीबीसी भी शामिल है। देश के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारियों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। सालों से हफ्तों में 2 छुट्टी की मांग कर रहे बैंक कर्मचारियों की बात सुनकर सरकार ने सुन ली है। मंगलवार को शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने खुद कहा कि अब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले बैंक कर्मचारियों को साप्ताहिक 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी महीने के सभी शनिवार को छुट्टी रहेगी। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव जल्द ही लागू किया जाएगा। फिलहाल 2 और 4 शनिवार को छुट्टी मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश में, और यह कहना है कि अतियोक्ति नहीं होगी कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के देश ने कुछ ही वर्षों में वह हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने में बाकियों को एक पीढ़ी लग गई। लिंक्डइन पर एक पोस्ट में उन्होंने लोगों को कृत्रिम मेधा पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2023 के लिए आमंत्रित किया। इस सम्मेलन को मोदी ने AI और नवाचार में प्रगति का जश्न मनाने वाला एक आकर्षक कार्यक्रम बताया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति फैसले से पहले घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख का देखते हुए शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे बढ़कर 83.34 पर पहुंच गया। घरेलू इक्विटी में मजबूत रुख के बीच अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे बढ़कर 83.34 पर खुला। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.36 पर बंद हुआ।
बेमौसम बारिश और उत्पादन की कमी में प्याज की बढ़ती कीमतों का शोर सरकार तक भी पहुंच गया। आम आदमी की थाली पर ज्यादा असर न पड़े इसके लिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाई जाती है। इस दौरान एक भी प्याज देश के बाहर नहीं जाना चाहिए ताकि घरेलू बाजार में इसकी सप्लाई बनी रहे और कीमतों में उछाल न आने पाए। इसके अलावा चीनी और गेहूँ पर भी सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। घरेलू बाजार में पिछले महीने हुई दोपहिया वाहनों की बिक्री की बात करें तो 22,47,366 यूनिट्स की बिक्री देखने को मिली, जबकि पिछले साल नवंबर में ये आंकड़ा 18,56,108 यूनिट्स का था। नवंबर 2023 में हुई थ्री व्हीलर की बिक्री की बात करें तो 23.31% की बढ़त के साथ 99,890 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई। पैसेंजर व्हीकल के लिए भी पिछले महीने फायदेमंद रहा है, जिसमें 3,60,431 यूनिट्स की बिक्री हुई है। स्पेस जगत में भारत अब अमेरिका रूस की कतार में है। भारत की स्पेस एजेंसी के खाते में अनगिनत कामयाबी जिनकी गिनती करना कम पड़ जाए। इन सब के बीच 23 अक्टूबर 2023 यादगार दिन बना जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो ने मक्खन की तरह विक्रम लैंडर की लैंडिंग करा दी। वो कामयाबी इसलिए भी खास थी क्योंकि बेहतर तरीके और कम संसाधन में भारत ने जो कमाल कर दिखाया उसे अमेरिका और रूस अब तक हासिल नहीं कर सके। अब भारत अमेरिका रूस की तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम ने 10वीं और 12वीं की डेट सीट जारी कर दी है। जारी डेट सीट के अनुसार ICSE यानी 10वीं कक्षा के एग्जाम 21 फरवरी 2024 से तथा 12वीं यानी ISC बोर्ड के एग्जाम 12 फरवरी 2024 से शुरू किए जाएंगे। इसके लिए विषय अनुसार टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। छात्र CISCE की ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org पर जाकर डेट सीट को चेक कर सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में बोलते हुए भारतीय खुफिया एजेंसियों को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे बता दिया। भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी और डिप्लोमेटिकली बहुत कड़ा एक्शन लिया। अभी अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि एक भारतीय अधिकारी ने खालिस्तानी आतंकी सतपतवन सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश की, जो एक अमेरिकी नागरिक है। पन्नू अक्सर ही न्यूयॉर्क में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। अमेरिका ने दावा किया कि भारत को कुछ सबूत भी दिए गए हैं। भारत ने अमेरिका के साथ जांच करने की बात कही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत कुमार झा, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, नौसद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए आपके अनुसार सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।